मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में पद वृद्धि को लेकर सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। कमलनाथ ने पत्र में 51,000 पदों की वृद्धि के साथ बेरोजगार युवाओं को राहत देने की बात कही है। वहीं इसको लेकर युवा कांग्रेस नेता नितेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि युवाओं ने ट्विटर से लेकर सड़क तक संघर्ष किया है। उन्होंने कहा, युवा ज्वाइनिंग तक संघर्ष करते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बेरोजगार युवाओं के लिए सीएम शिवराज को पत्र लिखकर मांग की है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बेरोजगार युवा परेशान है। 1,00,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्तियां कम की जा रही हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि युवाओं की मांग पर ध्यान देते हुए 51,000 पद बढ़ाए जाएं। इसको लेकर युवा कांग्रेस नेता नितेंद्र सिंह राठौर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है जिसमें 51,000 भर्तियों की मांग की है। उन्होंने कहा, शिवराज की कई घोषणाएं अधूरी पड़ी हैं, उनके क्षेत्र में शिवराज की घोषणाएं अधूरी हैं। उन्होंने युवाओं से कहा, आप सब सचेत रहिए, जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए आप बहकावे में ना आए। उन्होंने सीएम शिवराज से निवेदन किया कि आपने जो घोषणाएं की हैं, जो भर्ती निकाली है, उनको 1 वर्ष में पूरा करें, वरना ये माना जाएगा कि आपने पहले की तरह इस वर्ष भी युवाओं बेरोजगारों को झुंझुना पकड़ा दिया। युवा साथी सचेत रहकर आंदोलन जारी रखें, जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक संघर्ष को जारी रखें। सभी युवा साथियों को आपके जज्बात के लिए सलाम। आपने ट्विटर से लेकर सड़क तक काफी संघर्ष किया और जैसे ही आपके इस आंदोलन की जानकारी आप ही के एक सदस्य राधे जाट जी ने हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को दी, उसके तुरंत बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह जी को पत्र लिखा 51,000 शिक्षक भर्तियों के लिए। मेरा आप सबसे कहना है कि शिवराज जी की कई घोषणाएं अभी अधूरी पड़ी हैं, जैसे कि पिछले उपचुनाव में पृथ्वीपुर विधानसभा में भी उन्होंने कई घोषणाएं की थी और वो भी अभी अधूरी पड़ी हुई हैं। तो इसलिए आप सब सचेत रहें और जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए इनके बहकावे में ना आए। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है, साथ ही मुख्यमंत्री जी से भी विनम्र अनुरोध है कि अगले 1 साल में जो आपने अभी घोषणाएं की हैं और जो भी भर्तियों की वैकेंसी निकली है उसकी ज्वाइनिंग 1 वर्ष में पूर्ण करें, वरना हम ये मानेंगे कि जैसे आप हर बार युवाओं को झुंझुना पकड़ाते हैं और पिछले 18 वर्ष से पकड़ा रहे हैं, एक बार फिर आप हमारे युवाओं को झुंझुना पकड़ाएंगे। और युवा साथियों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब भी सचेत रहें, अपने आंदोलन को जारी रखें और इनके बहकावे में ना आए, जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक इस संघर्ष को जारी रखें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।